जय श्री कृष्ण, कर्म कांड, पूजा मंत्र, स्तोत्र, व्रत कथा और सनातन संस्कृति से जुड़ी समस्त जानकारी प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल द आकाश केवी और घंटी के निशान को भी दबाएं, ताकि आप हमारी आने वाली सभी वीडियोस देख पाएं सबसे पहले, और वो भी बिल्कुल फ्री। और अभी इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी मित्रों के साथ WhatsApp ग्रुप के माध्यम से शेयर अवश्य कर दें। धन्यवाद। यदि आपको स्वर्ग की प्राप्ति करनी है तो इन मंत्रों के बारे में आपको पता होना चाहिए। आज के वीडियो में मैं आपको दो ऐसे मंत्र बताऊंगा, अगर आप इन दो मंत्रों में से किसी भी मंत्र का नित्य पाठ करते हैं तो इन मंत्रों को बोलने के बाद किसी भी प्राणी के मृत्यु के पश्चात उसकी अधोगति नहीं होती, अर्थात उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कमेंट सेक्शन में जय माता दी और जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें, और साथ ही यदि आपके मन में कोई शंका हो या कोई सवाल हो तो ज़रूर बताएं, हम उसका समाधान करने का प्रयास अवश्य ही करेंगे। इस मंत्र को बोलने से पहले घर में दुर्गा माता की कोई फ़ोटो लेकर आएं या फिर किसी मूर्ति की स्थापना करेंगे तो अति उत्तम होगा, और नित्य उसका पूजन करें। हाथ में जल लेकर माता से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माता, मुझे मृत्यु के पश्चात स्वर्ग की प्राप्ति हो, और ऐसा बोलकर हाथ से जल छोड़कर दीपक जलाने के पश्चात इन मंत्रों का नित्य पाठ करना चाहिए। और मंत्र बोलते समय एक बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि इन मंत्रों को बोलते समय आपके मुंह से आवाज़ ना निकले। इन मंत्रों का पाठ आपको मन ही मन करना है, यानी आपको अपने मन में ही इन मंत्रों को बोल लेना है। ध्यान रखना है कि आपके मुंह से आवाज़ ना निकले। इन मंत्रों का पाठ 11 से 21 बार या फिर जितनी बार आपका मन चाहे उतने बार आप कर सकते हैं। और ये दोनों मंत्र कुछ इस प्रकार हैं, पहले मैं धीरे धीरे बोलूँगा, फिर पूरा मंत्र को एक साथ पाठ करके बोलूँगा। आशा है कि आपने हमारा चैनल दी आकाश के भी सब्सक्राइब कर लिया और इस वीडियो को लाइक कर लिया है। सर्वभूता यदा देवी स्वर्ग मुक्ति प्रदायिनी त्वं स्तुता स्तुते का वा भवन्तु परमोक्तयः। पुनः दोहराएंगे। सर्वभूता यदा देवी स्वर्ग मुक्ति प्रदायिनी त्वं स्तुता स्तुतैका वा भवन्तु परमोक्तया। दूसरा मंत्र। सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदय संस्थिते स्वर्गा पवरगदे देवी नारायणी नमस्तुते। पुनः दोहराएंगे। सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदय संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवी नारायणी नमस्तुते। तो ये थे दो मंत्र जिन्हें बोलकर आपको मृत्यु के पश्चात स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। ये दोनों मंत्र दुर्गा माता के मंत्र हैं। और हाँ, यदि आपको अगर किसी और विषय पर वीडियो देखनी हो तो कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं, हम उस पर भी वीडियो ज़रूर बताएंगे। और कोई शंका हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को सबके साथ शेयर अवश्य करें, ताकि ये वीडियो सबके पास पहुंच सके और सबका कल्याण हो सके। और साथ ही इस वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दें, और कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिख दें कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि हमें ये पता चल सके कि हमारी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँचती है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपको धर्म से संबंधित अपना ज्ञान और बढ़ाना हो तो हमारा चैनल दी आकाश के भी आप देख सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।